बिना देरी किए शुरू करते हैं वीआईपी एग्जिट पोल और जानते हैं चुनाव के दिग्गजों में किसे जनता का साथ मिला और किसे जनता ने नकार दिया। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ की। तो गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे और देखिए ग्रीन सिग्नल बता रहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव जीत सकते हैं। तो ग्रीन सिग्नल, तीन सिग्नल्स हैं यहाँ पर, रेड, ग्रीन और येलो। और ग्रीन सिग्नल्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लिंक होता हुआ, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश, पांच, चार, तीन, तो अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव करह से मैदान में उतरे और अखिलेश यादव के लिए भी ग्रीन सिग्नल इशारा कर रहा है, यानी कि ग्रीन सिग्नल ब्लिंक कर रहा है। तो सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक अखिलेश यादव भी करहर से चुनावी मैदान में बाजी मार सकते हैं। तो ये हम आपको वीआईपी एग्जिट पोल बता रहे हैं और अखिलेश यादव भी करहर से चुनाव जीत सकते हैं। और अब बात करते हैं भतीजे की, बात हो गई चाचा शिवपाल यादव के लिए क्या कहते हैं। जसवंत नगर शिवपाल यादव का अपना गढ़, और यहां भी उनके लिए जनता ने किया है ग्रीन सिग्नल। ये एग्जिट पोल कह रहा है कि ग्रीन सिग्नल है, यानी कि शिवपाल यादव भी जसवंत नगर सीट से, अपनी ही सीट से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये हम आपको वीआईपी एग्जिट पोल के मुताबिक बता रहे हैं। और अब देखते हैं कि अगली सीट कौन है। आजम खां रामपुर, रामपुर के आजम खां के लिए क्या कहा है जनता ने एग्जिट पोल के मुताबिक। तो यहां भी इशारा यही है कि जो ग्रीन लाइट है वो सिग्नल दे रही है कि एग्जिट पोल के मुताबिक आजम खां जीत सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ऐसी सीट जिस पर सभी की निगाहें थी। दो साल से आजम खां जेल में थे और ऐसे में उनके लिए यहां पर जनता ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया है। 10 मार्च को साफ होगा। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए स्वार से ग्रीन सिग्नल, देखिए तो यहां पर ग्रीन सिग्नल है अब्दुल्ला आजम के लिए भी। चार, तीन, दो, एक। और कैराना से नाहिद हसन के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई कैराना में, और यहां पर ये येलो सिग्नल जो बता रहा है कि यहां पर कितनी टक्कर है, ये कैराना से नाहिद हसन के लिए एग्जिट पोल का इशारा है। ABP News, आपको रखे आगे।